जब पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। गुरुवर जब ब्रह्मचार्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। अब लेकर वान प्रस्थ शीघ्र पहुंचू संन्यास आश्रम में। इसलिए है गुरुदेव पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया योग्य राज्य के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दे। महाराज मन में ऐसे चार गुरुदेव महाराज कहिए यह विचार का अति ही उत्तम है। मैं भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। हे राजा, पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही। हे राजन, पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही। जो थे पर परमात्मा को दे, ग्रस्तियों का है धर्म यही। हे राजन, चौथे पर परमात्मा को दे और अपना आगे का समय ठीक हो। अवधेश आपकी इन्हीं बातों मन के संयम पर निर्भर है। तब करूं तपो वन में जाकर। हे महाराज, जो आपने बात कही है कि मैं तपोवन में जाकर कहूँ, बस यही आपकी एक गलती है। घर में रहकर ही एकांतवास। हे महाराज, घर में रहे एकांतवास, आराधना ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार। जब आपके पास युवराज बनने योग्य ऐसे राम ऐसे पुत्र हैं, तो चिंताओं का बहिष्कार करें। चिंताओं का हो बहिष्कार, आह्वान आत्म तत्व का हो। श्री राम सुमन सुमन कहिए राजन, गुरुदेव ने भी अपना मत मेरे विचारों में मिला दिया है। बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर भी मैं यह जानना चाहूंगा एक बार जन समूह से भी पूछा जाए कि वो इसके इच्छुक हैं या नहीं, या वे चाहते हैं या नहीं। राजन नहीं, एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए कि आपका वह विचार है। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज घोषित करना चाहता हूँ। प्रिय सुमन, उत्तम विचार है महाराज। और जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि यह विचार तो सारी अयोध्या नगरी को भाएगा, परंतु आप अनुसार हम सारे अयोध्या वासी की इच्छा भी जान लें। हाँ, कि वे हमारे नगरवासी आखिर चाहते हैं। यह आवश्यक है प्रिय सुमन। बहुत अच्छे महाराज, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। मंत्री दशरथ जी ने मुझे
महामंत्री प्रिय सुमंत कहिए राजन, तुमने जो सूचनाएं दी